हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम सिक्स क्लास का जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन शैडो, उसके बारे में जानते हैं। पहले हम जान चुके थे लाइट के बारे में, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, इनके बारे में जान चुके थे। अभी हम जानेंगे शैडो फॉर्मेशन के बारे में। शैडो क्या होती है बेटा? परछाई। कैसे बनती है शैडो, कब फॉर्म होगी, इसके लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, उनके लिए हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ठीक है, अच्छा बन गया। ये हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट। उसके लिए और शैडो के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, सोर्स ऑफ लाइट हो, और क्या हो दूसरा, सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पर हमने टॉर्च है, टॉर्च से यहाँ पर लाइट रेज फॉल हो रही है, जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है, बीम ऑफ लाइट यहाँ पर जा। तीसरी कंडीशन क्या होगी उसके लिए नेसेसरी, कोई भी दीवार हो, दीवार पे ही, अब स्क्रीन भी चाहिए उसके लिए। ये तीन कंडीशन नेसेसरी हैं किसी भी शैडो फॉर्मेशन के लिए। क्या क्या हो गई बेटा, एक तो सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, सोर्स ऑफ लाइट का टॉर्च। दूसरा बात की ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो शैडो है वो किसकी बन पाएगी, ओपेक ऑब्जेक्ट की ही बन पाएगी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या कर देगा, अपने अंदर से लाइट पास करवा देगा। ट्रांसल्यूसेंट होगा तो उसकी हल्की शैडो बन पाएगी। प्रॉपर डार्क शैडो है वो किसकी फॉर्म हो पाती है, केवल ओपेक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब अपने पास थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक स्क्रीन जहाँ पर जो शैडो है बनी है वो ओबटेन होगी, दिखाई देगी हमें जहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन नेसेसरी हैं शैडो फॉर्मेशन के लिए, इनके बिना शैडो है, परछाई है, वो बन ही नहीं सकती। अगर हम सोर्स ऑफ लाइट हटा देंगे शैडो नहीं बनेगी, अगर हमने बीच से ओपेक ऑब्जेक्ट हटा दिया तो यहाँ पर शैडो नहीं बनेगी, डायरेक्ट लाइट चली जाएगी वहाँ। वहाँ से अगर हमने स्क्रीन को हटा दिया, दीवार है ही नहीं, तो ये शैडो कहाँ बनेगी, कहीं पर भी नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट यहाँ तक आ रही है हम तक, ठीक है, और हम धूप में खड़े हैं तो हमारी शैडो बन रही है, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, सन हो गया वहाँ पर, ओपेक ऑब्जेक्ट हम हो गए, और जो स्क्रीन का काम करेगा वो क्या हो गया, ग्राउंड, ठीक है। जो अर्थ है वो वहाँ पर क्या काम कर रहा है, स्क्रीन का। तो तीनों चीज़ें हैं, तीनों कंडीशन है इसके लिए नेसेसरी है शैडो फॉर्मेशन के लिए। उसके आगे अगर हम बात करें, हम इसमें एक टॉपिक आता है आपके पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा देखा होगा आपने, छोटी सी फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं किस प्रकार की कुछ फॉर्मेशन होती है इसकी। ये बॉक्स होता है, ये क्या है बेटा, बॉक्स है, ठीक है। इनको हम ऐसे कर देते हैं कि ये इनर पार्ट लगे हमें, ये क्या हो गया, बॉक्स है यहाँ, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया है, ठीक है, और पीछे की ओर इसका जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर ग्राउंड ग्लास लगा दिया है, ठीक है, ऑयल पेपर तरह से ग्राउंड ग्लास लगा दिया वहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर बॉक्स, सिंपल आप कोई भी ले सकते हो, जैसे जैसे शूज़ का बॉक्स आता है, ठीक है, अंदर से इसको क्या करना है, ब्लैक पेंट कर देना है, ठीक है, पूरी तरह से। अदर लाइट आएगी उनको वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर अगर हम, जैसे कि हमने कैंडल जला ली यहाँ पर, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती की यहाँ से पूरा यहाँ पर क्या होगी, थोड़ी थोड़ी डार्कनेस होगी, इतना नहीं कि पूरा रोशनी होगी, तो वहाँ पर इमेज अच्छी फॉर्म नहीं हो पाएगी, थोड़ा अंधेरा होगा। तो यहाँ पर, यहाँ से जो कैंडल होगी, मोमबत्ती होगी, यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन है, इमेज है, कैसी बन जाएगी, ये रेज ऐसे चली जाएगी, ये वाली रेज है बिल्कुल ऐसे तो नहीं जाएगी, थोड़ा दूर बनाते हैं इसको। यहाँ पर हमने इसको बना दिया है, ये कैंडल है, ग्लो कर रही है, जो नीचे वाली रेज है ये कहाँ पर चली जाएगी, ऊपर, और जो ऊपर वाली रेज है वो कहाँ पर चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी, और इस ग्राउंड ग्लास के ऊपर
एक इन्वर्टेड कैंडल की इमेज है हमें वो दिखाई देगी, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जैसे हमारी आई के अंदर जो रेटिना है वो भी कैसी इमेज बनाता है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। सेम वही इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है यहाँ पर फॉर्म होगी, वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, तो कैसी है यहाँ पर स्क्रीन का काम कर रही है रियल, ठीक है। ये पिन होल कैमरा का है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन का, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, लाइट रे जब बाउंस बैक होके चली जाती है, जैसे कि ये मिरर है अपने पास, किस डिवाइस में हो सकता है, मिरर के अंदर इजीली देखने को मिल जाएगा, वैसे तो हर जगह हो रहा है। यहाँ से टॉर्च से हमने सोर्स डाला लाइट का, बीम आई लाइट की, यहाँ पर टकराई दूसरी डायरेक्शन में वो चली गई, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिल जाता है, जो अपने घर में प्लेन मिरर लगा है ना, सुबह सुबह हम तैयार होके वहाँ पर रेडी होते हैं, मतलब एक तरीके से वहाँ पर तैयार होते हैं या तैयार होके अपने आप को देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर आसानी से देखने को मिलता है। अब वो जो प्लेन मिरर है वो क्या भी बनाता है, हमारी इमेज बनाता है जब हम उसके आगे खड़े होते हैं। रिफ्लेक्शन का इतना ही टॉपिक आपके, जो प्लेन मिरर है वो क्या बनाता है, इमेज बनाता है हमारी। इमेज कैसी बनाता है, प्लेन मिरर यहाँ पर है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपकी क्या बनाएगा, ये यहाँ पर इमेज बनाएगा। कैसी इमेज रहेगी ये इमेज कैसी रहेगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो उनके बारे में जान लेते हैं हम, क्या विशेषताएं होंगी। एक तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज की, सेम साइज की क्या बनेगी, इमेज है वो बनेगी। दूसरी इमेज कैसी होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी बेटा, वर्चुअल मतलब कि काल्पनिक होगी, स्क्रीन पर इसको ओवरटेन नहीं किया जा सकता। तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लेटरल इन्वर्जन होता है इसके अंदर, लेटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट राइट रिवर्सल, मतलब लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। आप मिरर के सामने अगर खड़े होके और अपना राइट हैंड उठा रहे हो, तो उसमें कैसा राइट हैंड उठता हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। फोर्थ अगर बात करें तो इमेज क्या होती है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। काल्पनिक इमेज जो होगी एक तरीके से, जिसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब अपसाइड अप, अपराइट इमेज जिसको बोल देते हैं, अगर हेड ऊपर है तो उसमें भी ऊपर ही रहेगा, ठीक है, उल्टा नहीं होगा। उल्टा कहाँ पर होता है मोस्टली, इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है, जो रियल होती है, वर्चुअल इमेज है ये, ठीक है। और वर्चुअल क्या होती है, हमेशा डायरेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेन डिफरेंस, जानने हैं हमने शैडो, शैडो के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर इमेज जो प्लेन मिरर के अंदर बनी है उसके बारे में, इनके बीच के डिफरेंस है। शैडो और इमेज जो प्लेन मिरर कंस्टिट्यूट करेगा, बनाएगा, फॉर्म करता है, उनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। जो शेडो होती है इसका कलर कैसा होगा बेटा, डार्क कलर की होती है। कैसी होती है, डार्क कलर की। और इमेज होती है जो मिरर के अंदर देखते हैं हम, वो सेम कलर की दिखेगी हमें, उसका कलर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। शर्ट है वाइट कलर की तो वाइट दिखेगी, ठीक है। शेडो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वाइट को भी क्या कर देगी, वो डार्क में ही शो करेगी, ठीक है। बात करें ये तो कलर की बात हो गई, उसके साइज की बात करें तो जो इमेज होती है प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देती है, वो सेम साइज की होती है, उसका साइज डिफरेंस नहीं होता, सेम साइज की होती है, ऑब्जेक्ट जितने साइज की है। यहाँ पर शैडो के अंदर जो साइज है वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट है वो किधर से आ रही है, किस एंगल से आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो शैडो है वो किस साइज की बनेगी, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी। शैडो के अंदर क्या सेम चीज रहती है, शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग बता देता है, लेकिन ये पूरा क्या बताता है, उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन बताता है
साइज भी और शेप भी, लेकिन ये क्या बताता है, केवल शेप के बारे में बताता है। जो इसका साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है, एंगल किस एंगल से लाइट है वो गिर रही है। ठीक है, अगर एंगल चेंज कर देंगे हम सोर्स ऑफ लाइट का, तो जो शेडो है उसका भी जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे सुबह के समय और शाम के समय जो सनलाइट है उसमें हमारी शेडो क्या दिखती है, थोड़ी लेंथी दिखती है, लंबी दिखती है। लेकिन अगर बात करें डे टाइम की, जैसे कि आफ्टरनून में दोपहर में, तो हमारी शेडो क्या दिखती है, छोटी दिखती है। ये सब किसका खेल है बेटा, जो सन का एंगल है, सोर्स ऑफ लाइट का जो एंगल है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड कर रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लेटर इन्वर्जन, इमेज है जो यहाँ पर फॉर्म होती है किसके अंदर, मिरर के अंदर, वो उसके अंदर क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेकिन शैडो के अंदर लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक थे, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। ठीक है बेटा।